What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 7 जनवरी 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:19 हो रहे हैं। कल हफ्ते का पहला ही दिन था और जबरदस्त हमने निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। जो ईरान ने रिटेलिएट किया है अमेरिका के खिलाफ, फिर से अटैक किया है, उसकी खबरें आ रही थी तो फियर काफी बढ़ गया था। तो यहाँ पर जबरदस्त एक गिरावट कल हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। हालांकि अगर ये इश्यू अगर सेटल होता है तो निफ्टी में फिर से एक बार जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बजट आ रहा है अगले महीने, तो सरकार का काफी कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी को जल्द से जल्द बूस्ट कराया जाए, तो सरकार के तरफ से काफी प्रयास हो रहा है। ये अगर ग्लोबल इश्यू सेटल हो जाता है तो यहाँ से फिर से एक बार हमें जबरदस्त बाउंस बैक आते हुए दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर निफ्टी के एनालिसिस को शुरू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 6 जनवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,186। तो शुरू में जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो ये गैप डाउन ओपन हुआ, जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, एग्जैक्ट उसी के पास ये निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ। तो कल हम एज पर जो प्लान बनाया था, प्री प्लान, उसके अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि फर्स्ट टारगेट के पास डायरेक्ट निफ्टी इंडेक्स ओपन हो गया और वन वे टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव हो रहा था। तो लाइव मार्केट में तो काफी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, वन वे फॉल था। जैसे ये लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रहा था तो यहाँ पर जबरदस्त एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमारा ये जो प्री प्लान जो था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। कल हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन सकता है, ऐसा वीकली चार्ट में हमने देखा था। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार यूएस में नासडैक देखे तो वहां पर रिकवरी देखने को मिली, 50 पॉइंट्स के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स कल जैसे कि एशियाई बाजार में हालत थी, सभी लाल निशान में वहां पर बंद हुए यूरोपियन मार्केट्स। आज एशियाई मार्केट्स में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, एसजीएक्स निफ्टी 63 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, निक्के 348 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, चाइना मार्केट भी हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल एक रिकवरी देखने की कोशिश यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स के हालात पर। डाउ फ्यूचर भी अभी 35 पॉइंट्स का बढ़त दिखा रहा है, तो रिकवरी आना एक लाजमी है। निफ्टी का चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। कल यहाँ पर जैसे हमने ट्रायंगल फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया था, अपर बैंड और लोअर बैंड, कोई इनमें से एक अगर ब्रेक करता है तो हमें जबरदस्त यहाँ से मूव आते हुए दिखाई दे सकता था। कल इसने लोअर बैंड को जैसे ब्रेक किया, एक जबरदस्त एक लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बनते हुए देखा, और एग्जैक्ट इसने 50 एएमए का यहाँ पर सपोर्ट लिया है, जो कि 11,977 के पास अभी इस समय है। और नीचे आरएसआई को देखें तो यहाँ पर कल हमने डबल बॉटम डबल टॉप की यहाँ पर बात की थी, तो कल इसने यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया और ये जब टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हो रहा था तभी इस नेक लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया, तो जबरदस्त यहाँ पर हमें एक जबरदस्त फॉल देखने को मिला। तो हो सकता है आज रिकवर, जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स के हम अभी सिचुएशन देख रहे हैं, तो हो सकता है एक स्मॉल रिकवरी यहाँ से आते वक्त हमें देखने को मिले। अगर ऊपर जाना है तो फिर से इसे 20 एमए के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे बुलिश कैंडलस्टिक अगर 20 एमए के ऊपर अगर बनती है कोई यहाँ से फिर से एक बार, तो यहाँ से फिर से अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है, हालांकि मिड टर्म ट्रेंड लाइन और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तक यह है। और मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में, मूविंग एवरेजेस जब तक डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ना हो तब तक ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड है, ऐसा नहीं हम कह सकते। तो फिलहाल अभी ये करेक्शन है। वीकली चार्ट की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखा था, फिर दो वीक यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा था, इस कैंडल के हाई और लो के बीच में ये ट्रेड हो रहा था।
तो कल इसने इस ब्रेकडाउन लेवल को भी ब्रेक कर दिया और अभी फर्स्ट डे हो चुका है इस वीक का। अगर ये और भी टुवर्ड साउथ की तरफ अभी अगर बढ़ता है तो हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करके सपोर्ट लाइन कहाँ पर आ रही है इसे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एज पर ये लो और ये हाई पकड़ के जो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पर ड्रॉ किया है तो इसका 23.6% का लेवल 11,900 के पास आ रहा है। अगर लाइन चार्ट में इसे कन्वर्ट कर दूँ तो एग्जैक्ट आप देख सकते हैं ये जो लेवल है जहाँ पर इसने पास्ट में रेजिस्टेंस फेस करके एक फॉल दिखाया था और अभी यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग लो बना के बाउंस बैक दिखाया था। तो 11,900 एक क्रूशल सपोर्ट होगा। अगर ये भी यहाँ पर ब्रेक करता है तो नीचे एज पर वीकली चार्ट 20 एम 11,827 के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा। वीकली चार्ट मंथली चार्ट में अभी भी ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी अप ट्रेंड अभी भी बरकरार है, ये करेक्शन हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल वीकली चार्ट का सीनारियो और डेली चार्ट का सीनारियो। डेली चार्ट में अगर 50 एम यानी 11,977 के नीचे जाता है तो हमें फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर होगा 100 एम का जो कि अराउंड 11,777 के पास है। उससे पहले जहाँ से इसने ये बाउंस बैक दिखाया था अभी पास्ट में अराउंड 10-11 दिसंबर के पास, तो यहाँ पर 11,831 के पास सपोर्ट है जहाँ पर हमने वीकली चार्ट में 20 एम का लेवल भी उसी जगह पर आ रहा है ये हमने देखा, तो ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। तो वीक है, सिग्नल्स वीक है अभी भी, लेकिन जो रिकवरी आ रही है वो देखते हैं कब तक यहाँ पर सस्टेन कर पाती है। अगर ये 20 एम के फिर से ऊपर चला जाता है तो ही अप ट्रेंड यहाँ से आगे कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है वो आइडेंटिफाई करेंगे। ये है 60 मिनट का चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का ये लो अगर ब्रेक करता है यानी डेली चार्ट में अगर 50 एम को ब्रेक करता है यानी ये 11,972 का लेवल हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसे कलर चेंज कर देते हैं, स्टाइल चेंज कर देते हैं, इसे लिख देते हैं ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल। ये हमारा है ब्रेकडाउन लेवल, इसके नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,951। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर 11,924, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो यहाँ पर 12,000 का ये जो लेवल है ये फिर से एक बार इसको पार करना पड़ेगा कंफर्टेबली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट में एक यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप, तो अभी ये गैप फिल हो चुका है तो इसका अपर बैंड का ये जो लेवल है ये हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा और ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल। इसे कलर चेंज कर देते हैं, ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एक क्विकली छोटा सा टारगेट होगा 12,028, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 12,048, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।